नमस्कार, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं खबर हटा की। रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी मजदूर की हत्या का 24 घंटे में खुलासा। रजपुरा थाना में एसडीओपी वीरेंद्र बहादुर सह ने किया हत्या का खुलासा। मृतक का हम प्याला साथी निकला हत्यारा हटा। रजपुरा थाना के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला परिसर में एक पीडब्ल्यूडी रिटायर्ड मजदूर की धारदार हथियार से हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा एक प्रेस वार्ता कर किया। एसडीओपी वीरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि आरोपी गोलू तिवारी उम्र 24 वर्ष ने एक दुकान जिसकी वह देखरेख करता था वहां से 200 रुपये चुराए थे, जिसकी शिकायत मृतक ने दुकान मालिक हल्कू आदिवासी से की, जिसके कारण हल्कू आदिवासी ने इसके लिए आरोपी को फटकार भी लगाई। आरोपी गोलू तिवारी ने खुद के साथ बेइज्जती का बदला लेने के लिए मृतक के साथ शराब पी और अत्यधिक शराब पिलाकर जब मृतक बब्बू आदिवासी नींद में सो गया तो स्कूल प्रांगण के चबूतरे में हसिया से गर्दन काटकर मौत के घाट उतार दिया। घटनास्थल निरीक्षक साक्ष्य फिंगरप्रिंट के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी टूट गया और घटना की कहानी बताते हुए हत्याकांड में प्रयुक्त हसिया भी बरामद पुलिस ने किया। रजपुरा थाना पुलिस द्वारा घटना के 24 घंटे के भीतर खुलासा करने वाले थाना प्रभारी राजीव पुरोहित, प्रधान आर शर्मांश, आर शैलेंद्र बघेल, आर राजेंद्र लोधी की सराहनीय भूमिका रही। खबर हटा के साथ दीपक पटेल की रिपोर्ट। 18 तारीख को एक बब्बू आदिवासी की कत्ल हुई थी। उस कत्ल के इल्ज़ाम में गोलू तिवारी के लिए गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी में घटना से लेके गिरफ्तारी तक हमारे थाना प्रभारी ने, उनके स्टाफ ने अथक मेहनत की। क्या है सर, आरोपी को न्यायालय पेश कर दिया, क्या कारण से हत्या हुई? आरोपी के लिए मृतक के द्वारा एक आरोप लगाया गया था कि उसने चोरी की। उस इल्ज़ाम के कारण जिसके यहाँ चोरी हुई थी उसके द्वारा 2-3 तमाचे मार दिए गए। इस के लिए उसने बेइज्जती समझी और हत्या का षड्यंत्र किया और घटना को अंजाम दिया। आरोपी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? जब हम इस साक्ष्य पे पहुँच गए कि गोलू के द्वारा ही यह हत्या की गई है तो उसे हमने उसके घर में तलाश की तो घर में उपलब्ध मिल गया, वहीं से उसको गिरफ्तार किया।